हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अमृत चौधरी। और आज मैं आपके लिए सुपर एक्सप्रेस टेक न्यूज नंबर 29 लेके आया हूँ। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो पहली टेक न्यूज की बात करूँ तो वो आ रही है कि एसुस का जेनफोन 3 लेजर जो कि प्रो फोन लॉन्च किया था एसुस ने, उसमें आपको एंड्रॉयड नुगट 7.1.1 का अपडेट रोल आउट हो गया। तो आप स्टार्ट कर सकते, आप जिसके पास एसुस के जेनफोन 3 लेजर है वो अपडेट ले सकती हो। जेनफोन 2 का कब आएगा कोई फिक्स नहीं। और मैं आपको अगली न्यूज बताऊं तो रिलायंस जियो अपना एक यानी कि जो जियो फाई था उसका एक बंडल ऑफर निकाला है, जिसमें आपको यानी कि 1999 में आपको अनलिमिटेड 1 GB का डेली डाटा मिलेगा 1 ईयर के लिए, और अनलिमिटेड कॉलिंग भी मिलेगा। आप जियो 4G वाई डाउनलोड करके ले सकते हो, क्योंकि काफ़ी अच्छी बात है। तो जहाँ पे अच्छी स्पीड आती है तो वो फ़ायदा उठा सकते हो। सिर्फ 2000 रुपये में काफ़ी अच्छा फ्रेंड आपको मिल सकता है रिलायंस जियो का ऑफर। और मैं आपको अगली नहीं बताऊँ तो यानी कि Xiaomi का Redmi Pro का कुछ लीक्स हो, यानी कि कुछ लीक आया है Redmi Pro का, जो कि Redmi Pro 2 है। उसके कुछ स्पेक्स आए हैं जिसमें आपको पता चला है कि इसमें आपको डुअल कैमरा सेटअप हो सकता है, और उसमें आपको स्पेक्स है इसमें आपको 4 GB की रैम, 128 GB की इंटरनल स्टोरेज हो सकती है, एंड्रॉयड नुगट होगा, और इसमें आपको स्नैपड्रैगन 660 का भी बताया जा रहा है कि ये लीक्स होंगे, और इसमें आपको 13 MP डुअल रियर कैमरा। तो आप देख सकते हो ये फोटो स्क्रीन पे, ये ऐसी फोटो लीक हुई है। और मैं आपको अगली न्यूज़ बताऊँ तो यानी कि MI का अल्ट्रासोनिक टूथब्रश, जो कि आप टूथब्रश यानी कि करते हो ब्रश, वो ब्रश एक लॉन्च किया गया है चाइना में। तो MI अब क्या क्या कर रहा है यार, टूथब्रश ला रहा है क्या ला। तो इसमें आपको एक वाटरप्रूफ बॉडी मिलती है जो कि IPX7 रेटिंग के साथ आती है, और इसमें आपको 700 mAh की बैटरी मिलती है, और इसमें आपको 700 वाइब्रेशंस भी मिलता है। तो आप स्क्रीन पर फोटो दे सकते हो, ये MI का टूथब्रश, और इसकी प्राइस रखी गई है 1100 यानी कि 1900 रुपये रखी गई है प्राइस, जो कि आप 18 जुलाई से ले सकते हो। और इसमें आपको यानी कि स्पेस बता दूँ तो इसमें आपको 31,000 वाइब्रेशन मिलेगा पर मिनट, और ये यानी कि इसका बैटरी जो है वो 18 दिन तक लास्ट कर सकता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो MI टेक्नोलॉजी अच्छा रहता है, पर स्टॉक में कुछ सामान रहता ही नहीं है यहाँ पे, तो बात कुछ जल्दी नहीं है MI वालों को, क्योंकि अगर यार लाते हैं तो थोड़ा स्टॉक पे तो रखे। और मैं आपको अगले न्यूज बताऊँ तो आ रही है कि यानी कि OnePlus 5 के काफ़ी यूजर्स को यानी कि उनके डिस्प्ले में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी यूजर्स को, यानी कि OnePlus 5 जो भी यानी कि एक आदमी ने OnePlus 5 मंगाया तो उनके OnePlus 5 में यानी कि आपको पावर बटन नहीं था। जैसे ये पावर बटन है मेरे फ़ोन में, तो इसमें आपको पावर ही बटन नहीं था OnePlus 5 के एक यूज़र जो कि OnePlus 5 खरीदे थे। तो काफ़ी बुरी बात थी OnePlus तरफ से कि वो कुछ करते ही नहीं है, यानी कि एक तो फ्रॉड कर रहे इतना सारा काम सर्विस में, ऊपर से वॉल्यूम बटन छोड़ के ही फोन दे देते हैं। तो काफ़ी अच्छी बात नहीं है OnePlus की तरफ से। ना ट्रस्टेड ब्रांड हो तो ट्रस्टेड ब्रांड की तरह काम किया करो। तो अब देखते हैं OnePlus क्या हो सकता है, अपने सर्विस को सुधारना पड़ेगा उनको, कुछ अगर सर्विस नहीं सुधारा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। और मैं आपको अगली बताऊँ तो Redmi 4 जो कि MI की तरफ से फ़ोन था वो इंडिया में 45 यानी कि 1 महीना के अंदर 10 लाख सीट बिक चुका है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। फ़ोन काफ़ी सही लगता है मुझे, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है फ़ोन चलाने में आपको, तो यानी कि अच्छा काम करते हैं जो कंपनी, अच्छी काम करती है उसकी सेल ऐसी ही स्ट्रांग होती है। यानी कि अगर MI को ना अपना थोड़ा और करना चाहिए, अच्छा से एक्सपैंड करे तो काफ़ी अच्छी बात रहेगी, क्योंकि फ़ोन बहुत बिकते हैं उनके और लोग को मिलता नहीं है फ़ोन, बहुत ही यही प्रॉब्लम है, लोग को फ़ोन मिलता ही नहीं है MI को, एक ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है ये MI वालों। और नापोलियन बताऊँ तो लीको के CEO ने बोला है कि जैसा वो समझते थे यानी कि पैसे की दिक्कत हुई थी लीको को, वो थोड़ी ज़्यादा ही पैसे की दिक्कत है, और उन्होंने बोला है कि हम लोग फ्यूचर में कुछ अच्छा काम करेंगे, पर लीको तो पूरा इंडिया में बर्बाद हो गया है, अब क्या करेगा कोई ठीक नहीं। और मैं आपको और दोस्तों यही टेक न्यूज़ की बात, और टेक न्यूज़ आया मैंने आपको बता दिया। सो गाइज, सो ऐसे आप लोग देखते रहो टेक न्यूज़। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। If you like this video, give it a thumbs up. If you didn't, vote it down. And please subscribe to my channel. Don't forget to share with your friends. So bye bye guys. See you in the next video. Take care. Bye bye. Good night.